नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सा नेट पैटर्न लाई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है, जिसे आप किसी भी लेडीज प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन का पहला लाइन और सामने से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगले फंदे को सीधा बुनेंगे। अब ऊन अपनी ओर करेंगे और एक बार और सिलाई में ऊन लपेटेंगे। यहाँ पे ऐसा करने से जाली बन जाएगा। फिर से देखिए, ऊन अपनी ओर किया और एक बार और सिलाई में ऊन लपेटा। अब 4 फंदों को एक साथ लेंगे, 1, 2, 3 और 4। तो 4 फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए 4 से एक कर लेंगे। यहाँ पे हमने 3 फंदे घटा लिए। अब फिर ऊन सिलाई में चढ़ा के लाएंगे, अगले 4 फंदे हम एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए 4 का एक कर लेंगे। तो पहला फंदा हमने स्लिप किया, अगले फंदे को सीधा बुना, फिर हमने जाली दिया और 4 फंदे को एक साथ लेते हुए उल्टा बना दिया है, 4 से एक फंदा कर दिया। तो इन्हीं दोनों फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है, ऊन चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाना है, फंदों को एक साथ लेना है। अगर हम एक बार में नहीं घटा पा रहे हैं तो ऐसे एक एक करके चारों फंदों को इस फंदे के ऊपर ऐसे चढ़ा देंगे, ऊन चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे, 4 फंदों को हम दाहिनी सिलाई में चढ़ा लेंगे। अब चौथे फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर तीसरे फंदे को उठाएंगे, चौथे फंदे के ऊपर ऐसे गिरा देंगे, दूसरे फंदे को उठाएंगे, चौथे फंदे के ऊपर गिरा देंगे, फिर पहले फंदे को उठाएंगे और चौथे फंदे के ऊपर गिरा देंगे। तो देखिए, 4 फंदों से हमने एक फंदा कर लिया। ऊन चढ़ाकर वापस अपनी ओर लाएंगे, 4 फंदों को दाहिनी सिलाई में चढ़ा लेंगे और चौथे फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर इसी फंदे पे बाकी 3 फंदे भी ऐसे गिरा देंगे। तो ये हमारे 4 फंदों से एक फंदा हो गया। तो हम दोनों तरीकों में से किसी तरीके से बना सकते हैं। 4 फंदों को एक साथ लीजिए और एक साथ लेते हुए उल्टा बुन लीजिए। इस तरह भी हमारे 4 फंदे एक से एक फंदा हो गया। अब लास्ट में 2 फंदा बचेगा, तो उन दूसरी ओर करेंगे और दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और ये है डिज़ाइन का दूसरा लाइन। तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अगले फंदे को उल्टा बुन लेंगे। अब उन दूसरी ओर करेंगे, अब ये जो हमने 4 से एक फंदा किया था इसे हम सीधा बुनेंगे और ये हमारा जो जाली है इसमें हम 3 फंदे बनाएंगे। पहला सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे उल्टा, फिर उन दूसरी ओर करेंगे और सीधा। यहाँ पे हमने 4 से एक किया था तो 3 फंदे घट गए थे और इस जाली पे हमने 3 फंदे बना लिए, यानी जितने थे वापस हमारे उतने फंदे हो गए। अब देखिए, यहाँ पे हमने 4 से एक किया था तो इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। अब ये जाली है तो इस पर एक बार हम सीधा बुनेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे, फिर उन दूसरी ओर करेंगे और सीधा। तो हमने जाली पे 3 फंदे बना दिए। अब ये टोटल वापस 4 फंदे हो गए। नेक्स्ट फंदा, ये 4 से एक किया गया फंदा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे, फिर जाली पे सीधा, उल्टा, सीधा। तो इसी तरह बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे।
लास्ट में दो फंदे हैं तो उन अपनी ओर करेंगे और इन दोनों को उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारा दूसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है और सामने से, तो सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। तीन लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है, तो तीसरा लाइन हमारा ये कंप्लीट होता है और तीन ही लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है, तो तीसरा लाइन हमारा ये सामने की तरफ से कंप्लीट हुआ है, यानी अब पहला लाइन हमारा रॉन्ग साइड से होगा। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, दूसरा फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे और हम चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे, और चार फंदों को एक साथ लेंगे। हमारा पहला लाइन, पहली लाइन में हमने पहले जाली दिया था, फिर चार फंदों को एक साथ लेते हुए उल्टा बुनते हुए चार का एक कर लिया था, तो वही हम दोहराएंगे, उन चढ़ाकर वापस अपनी ओर लाएंगे, चार फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए चार का एक कर लेंगे। पहली लाइन हमारा सीधी की तरफ से आया था और अब ये चौथा लाइन है और यहाँ से हमारा फिर से पहला लाइन शुरू होता है, तो पहला लाइन अब की रॉन्ग साइड से होगा। क्योंकि तीन लाइन का डिज़ाइन है तो एक बार ये राइट साइड से होगा और दूसरी बार रॉन्ग साइड से, तो हम ऊन चढ़ाकर वापस अपनी ओर लाएंगे, चार फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए चार का एक करेंगे। तो ऊन चढ़ाकर लाएंगे, चार फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए चार का एक, तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। या फिर जो मैंने दूसरा तरीका बताया था कि चार फंदों को दानी सिलाई में ले लेंगे, चौथे फंदे को उल्टा बुनेंगे और फिर तीनों फंदों को क्रम से इसके ऊपर ऐसे उतार देंगे। दोनों तरीकों में से किसी तरीके को हम अपना सकते हैं। और लास्ट में दो फंदे बचेंगे तो इन्हें हम सीधा बुनेंगे। तो ये हमारा चौथा लाइन कंप्लीट हो गया। अब ये पांचवा लाइन है, तो पांचवे लाइन में पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगले फंदे को सीधा बुनेंगे। अब ये चार से एक किया हुआ फंदा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे और जाली पर तीन फंदे हमें बनाने हैं। यहाँ पे चार से एक किया था, तीन फंदे घटे थे, तो जाली पे हम तीन फंदे बनाएंगे ताकि फंदे बैलेंस हो जाए। तो हम पहले सीधा बुनेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे, फिर सीधा बुनेंगे। चार से एक किया गया फंदा हम सीधा बुनेंगे और जाली पे पहले हम सीधा बुनेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे, फिर सीधा बुनेंगे। तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे सभी फंदे बैलेंस हो गए। अब हम रॉन्ग साइड पे हैं और ये इस लाइन में हमें सभी फंदों को उल्टा बुन लेना है। अब फिर हम यहाँ से अपना पहला लाइन शुरू कर देंगे, यानी पहला फंदा सीधा स्लिप करेंगे, अगला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर यहाँ पे हमें जाली देना है और फिर चार फंदों को एक साथ लेते हुए उल्टा बुनते हुए चार का एक कर लेना है। तो यहीं से हम अपना फिर से पैटर्न शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनके कंप्लीट है। सामने से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा।
डिजाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको डिजाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।